बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आई होप दैट एवरीवन इज़ वेल और अपना भी ख्याल रख रहे हैं और दूसरों का भी। आज मैं नूर बाय जुगन काजिम की एक प्रोडक्ट्स की सीरीज़ की बात करना चाहूँगी। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप हमारी वेबसाइट पे गए हैं www.noorbyjugan.com पे, तो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, स्क्रब्स हैं, मसाज ऑयल्स हैं, शैम्पूस हैं, कंडीशनर्स हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो एक ही कैटेगरी के अंदर आती हैं। जैसे कि एक फेस ग्लो की कैटेगरी मैंने बनाई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनको ग्लोइंग स्किन चाहिए, उनको फ्रेश लुकिंग स्किन चाहिए, और ये जो सीरीज़ है ये सूट तो हर किसी को करती है, बट जनरली यंगर लोग जो होते हैं उनको ये जो सीरीज़ है वो ज़्यादा सूट करेगी। अब फेस ग्लो सीरीज़ के अंदर हमने एक तो सीरम बनाया है, फेस ग्लो सीरम नूर बाय जुगन काजिम का, देन वी हैव द फेस ग्लो मॉइस्चराइज़र और द फेस ग्लो क्रीम, एंड देन देयर इज़ द फेस ग्लो स्क्रब इज़ वेल। देखिए, ब्यूटी रिजीम जो होती है या स्किन केयर रिजीम जो होती है वो इतनी सिंपल नहीं होती कि बस आप सुबह उठे मुंह को साबुन से धो लिया और निकल पड़े। जिस किस्म का टेम्परेचर है बाहर, जिस किस्म का वेदर हमारे मुल्क में होता है या किसी कहीं भी दुनिया में होता है, डेड स्किन का लेयर बन जाता है, उसको रिमूव करने के लिए स्क्रब काम आता है। स्किन जो है मॉइस्चराइज अगर आप करेंगे तो उस पर रिंकल्स नहीं आएंगे, उसमें एक बड़ा खूबसूरत ग्लो होगा। देन सीरम जो है वो आपकी स्किन जो है वो क्लेंजिंग के बाद अगर आप उसको अप्लाई करें तो वो मॉइस्चराइज भी करता है। और बहुत से इसके अंदर जो हमने ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट भी करते हैं। अब सीरम जो है वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो आप में बना होता। अच्छा, सीरम के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीप आपकी स्किन में पेनिट्रेट करके काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज करती है आपकी स्किन को, या डीप मॉइस्चराइज़र आपको प्रोवाइड करता है। ये रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो सीरम अगर आप ये पूछें कि आइए एक मॉइस्चराइज़र है, तो हाँ जी, ये भी एक मॉइस्चराइज़र है। एंड देन ऑफकोर्स अगर आप इसको रात को लगाएं, स्पेशली थोड़े से फेस एंड नेक को वेट करके पूरे फेस एंड नेक के ऊपर आप अपने सीरम को फ्यू ड्रॉप्स डाल के लगाएं, तो ये जो बॉटल है ये आपको काफ़ी लंबा वक्त लास्ट भी करेगी, क्योंकि आपको लिटरली फ्यू ड्रॉप्स चाहिए होते हैं। देन जो हमारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये डे में बड़ी यूज़फुल है। आपने अपना सन ब्लॉक लगाया फेस से नेक के ऊपर, एंड दो तीन मिनट के बाद आपने ये मॉइस्चराइजर लगा दिया, तो ये आपकी स्किन को पेनिट्रेट भी करता है बट ऑयली या ग्रीसी लुक नहीं देता। देन हमारा जो फेस ग्लो स्क्रब है ये बहुत ही ऑसम है, एंड पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस। इसको आप अपने अगर फेस पे वंस अ वीक एटलीस्ट यूज़ करें तो आई प्रॉमिस यू आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम सब की स्किन जो है वो रिजुमिनेट होती है एवरी फ्यू डेज, जो है वो डेड स्किन की एक लेयर हमारे चेहरे पे आ जाती है, तो जब हम स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं हल्के हाथ के साथ तो वो स्क्रब जो है वो हमारे फेस एंड नेक के ऊपर से डेड स्किन का लेयर उतार देता है और फ्रेश ग्लोइंग स्किन नीचे से निकल आती है। बट फेस के ऊपर स्क्रब जो है वो बड़े हल्के हाथ के साथ, एक्चुअली तो कोई भी चीज़ आप अपने चेहरे पे लगाएं, अपनी नेक पे लगाएं, तो उसको बड़े सॉफ्ट हाथ के साथ लगाना चाहिए। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ इन तीनों प्रोडक्ट्स को। अच्छा, आप अगर ये वंडर कर रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो फेस को ग्लो कराती हैं, तो अल्फ़ा आरब्यूटिन इसके अंदर है। ये एक नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है और ये स्किन को ब्राइटन करने के काम आता है। देन विटामिन B3 इसमें मौजूद है, ये भी इसी पर्पस के लिए है। और ये जो आपकी स्किन में पानी का लॉस होता है और स्किन में मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, ये उसको हेल्प करता है। देन देयर इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज लगता है और एक रेडियंस आपकी स्किन में लेके आता है, और अगर स्पॉट्स वगैरह हो या मार्क्स वगैरह हो तो उनको भी रिड्यूस करता है। एंड देन विटामिन ई, हम सब जानते हैं कि विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर शामिल हैं, इंक्लूडिंग अदर थिंग्स एज वेल, तो आपको ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत ग्लो देता है। बट रिमेंबर, किसी भी प्रोडक्ट को हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। ये नहीं होगा कि आपने आज यूज़ करना शुरू किया तो अगले दिन ही आपका बिल्कुल चेहरा बदल जाएगा, बट डिफरेंस आप ज़रूर फील करेंगे। मेरी दो तीन फ्रेंड्स ने फेस ग्लो स्क्रब को यूज़ किया, पहली दफ़ा यूज़ करके मुझे उनका मैसेज आया कि जुगन, स्किन बहुत ही फ्रेश फील कर रही है और लग रहा है कि जैसे ऑलमोस्ट एक डेड लेयर उतर गया, और एक्चुअली डेड स्किन का लेयर उतर जाता है। सो डेफिनेटली हमारी जो फेस ग्लो सीरीज़ है इसको ट्राई कीजिएगा, द फेस ग्लो सीरम, द फेस ग्लो मॉइस्चराइजर यानी कि द फेस ग्लो क्रीम एंड फेस ग्लो स्क्रब, ये तीनों चीज़ें एक साथ ऑर्डर करके देखें एंड इसको अपनी स्किन केयर रिजीम का हिस्सा बना लें।
आई एम टेलिंग यू यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और हमें भी सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा नूर बाय जुगन के नाम से. वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन फेसबुक, हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी है, सो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली ऑर्डर द प्रोडक्ट्स. आई प्रॉमिस यू यू वॉन्ट रिग्रेट इट. खुदा हाफिज़.